तो अभी बस देखिए, अब उसके बाद जो था हम लोगों ने बस मैंने यहीं तक शूट करा था, फिर उसके बाद ये मैं आपको दिखाई थी सैरी का टाइम था, और यहाँ पे हम लोग सैरी वगैरह कर रहे थे, तो बस इसी में सब बच्चे वगैरह में यहीं पे ले आई थी कढ़ाई वगैरह, क्योंकि फिर ये होता है कि बार बार उठने का ज़्यादा वो नहीं होता, और दूसरा ये कि मतलब गर्म गर्म अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे हम लोग इफ्तारी वगैरह करें, सहरी वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद ये जो था मैं अब दोपहर का क्लिप थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैंने शूट करा था, तो आज हमें जाना था रोज़े मतलब अफ्तार पार्टी के लिए, या फिर रोज़ा खुश आई थी, खैर उसमें ही जाना था। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सबके बच्चों के अपने जो थे कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी यहाँ पर। तो जो रमज़ानों में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कहीं भी निकलना, क्योंकि एक तो वैसे ही रमज़ान रोज़े में एक इंसान का कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता, और फिर ये जो एक्स्ट्रा काम मतलब आ जाता है जाना आना, तो काफ़ी भारी पड़ जाता है। एक तो वो होता है ना मतलब खान जाने से पहले मतलब प्रिपरेशंस करें, फिर जो कपड़े आ जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मतलब उसको उसी तरह तय करके या फिर हैंगर करके लटकाना पड़ता है, तो काफ़ी मेरे मुश्किल आती है रमज़ानों में भी। वैसे ही है ना, मैं काफ़ी भारी लगता है रोज़े, कोई और काम होता ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैं अपना सूट दिखा रही थी, इसके अलावा बच्चे वगैरह के, तो बस मैं यहाँ पर कपड़े इस्त्री करके रखूँगी। और तकरीबन ये होती भी बहुत ज़्यादा है, जैसे जितनी जल्दी शुरू होती है उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है अफ्तार पार्टी। तो हम लोग गए निकले थे 6:15 बजे तक ही निकले थे, तो अफ्तार जैसे हो रहा है 6:45 बजे तक जो है अफ्तार ही हो जाती है, मतलब रोज़ा खुल जाता है मगरिब के टाइम। तो बस उससे पहले हम लोग चले गए थे 15 से 20 मिनट पहले, तब तो सबसे पहला खा मुझे यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी, फिर उसके बाद बच्चों को तैयार वगैरह करना है, तो इसमें टाइम बिल्कुल भी जो है देखिए पता यहाँ नहीं पर चलता। अभी हम लोग सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए, और अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ बच्चे भी रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो गए थे और हम लोग भी जो थे रेडी हो चुके थे। तो अभी जैसे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, हम लोग तो खैर बाइक पे जाते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर ये होता है रिक्शा या फिर कैब वगैरह करनी पड़ती है। तो अभी हम लोग देखें किस में जाते हैं, तो बस ये लोग यहाँ पर रेडी हो चुके थे, और बस अब रिक्शा आएगी तो हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों मेरे बेटे थे, और वहाँ पर ये लोग, इन लोगों को बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कहीं चले आ जाना, एक तो वैसे ये लोग जाते नहीं हो, जब जाएँ तो बस मत पूछें। ये देखिए दोनों शरारती इतने कि मत पूछें इन लोगों की शरारतें। तो ये देखिए यहाँ पर ये लोग सब रेडी हैं, तो ये सबकी बना दी, आप लोगों की तो बना दी ना। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अफ्तारी मतलब रोज़ा रख लो, और फिर उसके बाद जो था खाने का, क्योंकि बस 15 से 20 मिनट का ही ऐसा होता है, बीच में टाइम होता है कि नमाज़ वगैरह पढ़ें, उसमें जो जगह थी है नमाज़ वगैरह पढ़ने की, तो जिसको पढ़नी थी जिसने नमाज़ पढ़ी, और जेंट्स होते हैं मस्जिद में चले गए थे नमाज़ पढ़ने। और फिर उसके बाद आने के बाद मतलब डिनर स्टार्ट हो चुका था, तो खाना वगैरह खाया, फिर उसके बाद बस इतनी सी हम लोग घर आ रहे थे, और ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, तकरीबन 15 से 20 मिनट का ही रास्ता था, क्योंकि हमारी तरफ ज़्यादा दूर नहीं था। तो बस मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।